हरसिंह जितना सब फेल सब विद्यार्थी था उसी को लेकर भाजपा में तो ऐसे ही प्रोग्राम मचा इतना लेट किस बात जितना सीनियर नेता है सब बात कर रहा है इन ओपिनियन सबसे तो फ्यूज बॉल का ही सहारा ले रहे हैं बिहार के अंदर में देश में मुद्दा से नहीं चलता है राजनीति के स्टेडियम में फ्यूज बॉल से काम करने से चलता है देश नहीं खेल होगा काम की बात से गेंदों की बात करने वाला सब एक जगह हो गए नहीं सह पाइएगा बकरी के दूध से पहलवान हो जाएगा जितना सबपुर में वोट मिलेगा उसी को लेकर के जब वोट जितना सीनियर नेता है सब सबसे नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। आरसीपी सिंह भाजपा में शामिल होने की जैसी खबर आई कि अब आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने साफ कह दिया है जो आरसीपी सिंह है उनको फ्यूज बॉल बता दिया और कहा है कि भाजपा सिर्फ जो फ्यूज बॉल है उनको ही जमा कर रही है और इसे करने से कुछ होने वाला नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने आरसीपी सिंह को लेकर भी बहुत कुछ कहा, जब इतने दिनों से बैठे हुए थे तो आखिरकार इतना लेट क्यों हुआ, इतना दिन वेटिंग क्यों रहना पड़ा, वेटिंग लिस्ट में क्यों बना रहना पड़ा। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव। आरसीपी सिंह भाजपा में गए आज ही सुनते हैं कि सदस्यता ली है, इतना लेट किस बात की, इतना दिन वेटिंग लिस्ट में कहे रखे हुए थे फ्यूज बॉल सबको। भारतीय जनता पार्टी तो फ्यूज बॉल का ही सहारा ले रही है बिहार के अंदर में, राजनीति के स्टेडियम में फ्यूज बॉल से नहीं खेल होगा, विपक्ष के गेंदों के प्रहार नहीं सह पाइएगा, दिखेगा नहीं बॉल, क्लीन बोल्ड हो जाइएगा। जितना सब फेल सब विद्यार्थी था उसी को लेकर के जमघट बनाए हुए भाजपा में तो ऐसे ही कोहराम मचा हुआ है। जितना सीनियर नेता है सब बाप बाप कर रहा है इन ओपिनियन सबसे, बताने की जरूरत है? देश में मुद्दा से नहीं चलता है, कार्यक्रम से चलता है देश, काम करने से चलता है देश, मन की बात से नहीं काम की बात से जैसे चलता है। अब मन की बात करने वाला सब एक जगह हो गए, बकरी के दूध पिला देवे से पहलवान होता है जी। मुस्तफापुर में वोट मिलेगा जहां से आरसीपी सिंह आते हैं, जहां से वार्ड का चुनाव नहीं जीतेंगे, नेता मान करके बड़ा आवरण बना रहे हैं। जाइए जिनको जाना है चलिए ना, गए क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना है, ढाक के तीन पार। तो आपने देखा जिस तरीके से आरसीपी सिंह अब भाजपा में शामिल हुए हैं, अब इसे लेकर भी लगातार जो महागठबंधन के दल हैं उसमें से अब प्रतिक्रियाएं आ रही है। राजद के जो मुख्य प्रवक्ता है शक्ति यादव, उन्होंने साफ कह दिया आरसीपी सिंह को फ्यूज बॉल बता दिया और कहा है कि फ्यूज बॉल का कोई भी काम नहीं है, भाजपा सिर्फ फ्यूज बॉल को जमा कर रही है और जब राजद की तरफ से या यूं बात कर ले महागठबंधन की तरफ से जब बॉलिंग किया जाएगा तो टिकने वाले नहीं है, 24 के चुनाव की तरफ इशारा है। और जिस तरीके से अब आरसीपी सिंह शामिल हुए उनके ऊपर भी करा तंज कसा और कहा है कि आखिरकार इतना लेट क्यों हुआ है, जब जदयू का दामन छोड़ चुके थे तो इतने लंबे वक्त तक वेटिंग लिस्ट में क्यों रहना पड़ा। इससे पहले भी जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, अब राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी आरसीपी सिंह को लेकर करा तंज कसा और साफ कह दिया है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, इतने लंबे वक्त तक वेटिंग में रहना पड़ा लेकिन पता पहले ही था कि कहां जाने वाले। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव। इस तरह के तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।